हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि लेज़र्स में चेंजेस कैसे करते हैं या लेज़र को ऑल्टर कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक टैली इंस्टॉल नहीं की है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाके टैली इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियोज़ के लिंक भी दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपने टैली इंस्टॉल कर लिया होगा और उसको ओपन भी कर लिया होगा। टैली ओपन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा होगा। इसके बाद आपको अकाउंट्स इन्फो पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद लेज़र्स में जाना है। लेज़र में आपको सिंगल लेज़र्स के ऑल्टर में प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। आप यहाँ देखेंगे लेज़र की लिस्ट आपके सामने आई होगी। अब इसमें जिस भी लेज़र में आपको चेंजेस करने हैं आप उस पर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर कृष्णा कैपिटल लेज़र का नाम चेंज करके सागर्स कैपिटल करना है और इसका जो एड्रेस है वो भी आपको चेंज करना है। और अब एंटर प्रेस करते चलना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। आई होप आपको लेज़र में चेंजेस करना आ गया होगा। यहाँ हम एक लेज़र में और चेंजेस करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिया गजेंद्र का लेज़र, तो गजेंद्र के लेज़र में हमने ग्रुप गलत दिया हुआ है, इसे चेंज करेंगे। ये हमारा डेटर है तो इसका ग्रुप हम सन्ड्री डेटर देंगे। एंटर प्रेस करते चलना है। एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज करेंगे, वरना हम आगे बढ़ते चलेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये एक्सेप्ट का पूछेगा, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। होप आपको लेज़र में चेंजेस करना आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आप जैसे ही आप एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आएंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन डिस्प्ले का दिखेगा। आपको डिस्प्ले में एंटर होना है। एंटर होने के बाद आपने जिस लेज़र में चेंजेस किए हैं उस लेज़र में आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही देखेंगे जो आपने चेंजेस किए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।